आप जानते हैं ये जो बराबर में आपका लड़का है वो नहीं किसी काम का प्रोडक्टिव है, क्यों बात करते हैं आप उससे? यू डिड इट, हमने किया ये सब कुछ, क्यों बैठे आप उसके साथ? आपको पता था इस चीज के साथ टाइम स्पेंड करके आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी? आपको पता था ये बातों से मेरा दिल खराब हो रहा है? नबी का ये फरमान कहाँ जाएगा, अलमरु वाला दीन खलीली, मैन इज ऑन द रिलीजन ऑफ हिज कंपेनियन, बंदा अपने बराबर वाले का मजहब उठाएगा ही उठाएगा हर हाल में। क्यों नहीं आपने इस पे काम किया? हर नबी को क्यों भेड़ बकरियों का गनम का क्यों शेपर्ड बनाया गया? क्योंकि हर चीज जिसके साथ आपका इंटरेक्शन होता है, इवन एक कारपेंटर के एटीट्यूड में और एक ब्लैकस्मिथ के एटीट्यूड में फर्क होगा। जो लोहे के साथ काम करता है उस पे लोहे के असरात होंगे, जो वुड के साथ काम करता है उस पे लकड़ी के असरात होंगे, जो ऊंट का रेवड़ चढ़ाने वाला होता है वो एरोगेंट होता है, जो भेड़ बकरियां चराने वाला होता है वो हम्बल होता है। भेड़ के टारगेट्स मुश्किल हैं, ऊंट के टारगेट्स इतने मुश्किल नहीं है। ऊंट मैनेज कर सकता है अपने आप को, भेड़ मैनेज नहीं कर सकती। भेड़ हाइट में छोटी है, भेड़ एक के पीछे लगती है, सब पीछे निकल जाती है उसके। आप देखें लोगों की शक्लें, देखें ऐसे चट लगते हैं आज के दौर के, मसूमियत ही नहीं है किसी की शक्ल। हैव यू नोटिस्ड 21वीं सदी में मसूम लोग नहीं दिखते? शक्लें देखो, ऐसा लगता है 10 बच्चों का बाप लगता है। एंड दिस इज व्हाट आई वुड से टू द ऑल द लिटिल गर्ल्स एज वेल, मतलब औरत तो हया का नाम था। व्हाट आर यू गाइस डूइंग? यू डोंट नीड अ रिलेशनशिप राइट नाउ। आप अपने आप को इन गलत रिश्तों में क्यों इन्वॉल्व करना चाहते हैं? जब ये आपकी पेस स्लो कर देंगे, यही आपके साथ नहीं होंगे, यही साथ नहीं बैठा होगा आपके। आई एम टेलिंग यू, एक शख्स मेरे साथ नहीं है मेरे इस करियर के अंदर, एक शख्स नहीं खड़ा इन 10 सालों में आज मेरे साथ, फोन करके नहीं पूछा। ये दोस्त कहीं नहीं दिखेगा बेटा, इट्स यू। इट इज द मोस्ट हार्डेस्ट एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट वॉक इज द वॉक अलोन, इट्स यू एंड नोबडी एल्स। एंड व्हेन यू आर गोना फॉल डाउन यू विल फाइंड दीस पीपल, कि ये उंगलियां से आपकी ये जेवर निकाल लेंगे हाथ काट के, ये तो ये कौम है, छोड़ देंगे आपको ये। यू नो दैट, क्यों रखा हुआ उसको अपने बराबर? Why you hanging around with this jerk? आपको पता ही ये कुछ productive नहीं है। Sit with right people. आप जानते हैं आपने क्या खराब किया। Softly सीख लें, ठीक है। Divine slap आएगा, आसमानी चमाट जिसे कहते हैं, सिखा देगा अल्लाह। अल्लाह सिखा देता है बंदे को कि what you doing wrong. उसके बाद when your self is destroyed and complete, किसने कहा था अपनी हैसियत से बड़े लोगों के साथ उठने बैठने को? किसने कहा था? जब खुद को 500 रुपए का खाना खिलाने की हैसियत नहीं है, तो why are you sitting in that society जो रोज का 5000 रुपए का खर्चा करता है? Why you sitting? कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, दिल नहीं टूटेगा, भरमबाजी नहीं बढ़ेगी। जब नहीं है पाथेक फिलिप्स, जब नहीं है जॉर्जियो, जब अमानी नहीं है, जब वैलेंटिनो का ओरिजिनल ट्राउजर नहीं है 18-20 हजार का, व्हाई द हेल आर यू बोरिंग इट फ्रॉम योर फ्रेंड? व्हाई डू यू नीड दैट? जो शख्स तुम्हारी फिजिकैलिटी को देख के तुम्हें एक्सेप्ट करता है, ये तुम्हें तुम्हारे उन वक्तों में तुम्हें एक्सेप्ट करेगा जब छाया भी जब साथ छोड़ के चला जाता है आदमी का? यू नीड टू सिट विद द राइट पीपल।